के बोध कर तो नरक समान है जिस घर में कुल घर में कुलक्षण नारी। वैसे माफ करना, यहां तो खैर कोई कुलक्षणी नहीं है, एक हमें छोड़ के यहां तो सभी माता सुलक्षणी बैठी हुई, सभी पढ़ी लिखी हैं, लेकिन कुलक्षणी नारी के लक्षण बताए हैं भगवान ने। कुलक्षणी किसे कहते? यानी कुलक्षणी नारी का लक्षण है तो सुबह उठ के और जब तक 10 घंटे की थाम न ले ले तब तक बाबू चैन नहीं पड़ता, ये कुलक्षणी नारी का लक्षण। घर घर में क्योंकि नारी तो बही जो नारे नीचे को दबाए चले, धीरे चले, होले बोले, आटो पहर सहे हर लाचारी को। पति कोड़ी हो, कलंकी हो, चाहे थतहीन हो, यानी पति हमारा जैसा है वैसा मेरे लिए परमेश्वर के समान है। ऐसी स्त्री को स्वर्ग में जाकर परमात्मा का प्रसाद मिलता है। कटु वचन की बोलनहारी, कपट कटारी दौलतहारी, यानी पति से कपट करे, पति से बात बात पे झूठ बोले, पति बसे परदेश में झेले दुख अपार, नारी कुंजा करे घूमन जाए बाजार। यानी वो कुलक्षण है, पति तो परदेश में पड़ा है, मुसीबत से पैसे कमा रहा है, घर भेज रहा है, और वो बाजार में जाए कुंजा कर करके पति से कपट करे, तो ये कुलक्षण नारी का लक्षण है। और बताए कुलक्षण नारी के लक्षण और पूछे ही बताएं, यानी फूटा हुआ शीशा और टूटी हुई चारपाई, यानी शीशा फूट जाए, बर्तन टूट जाए, चारपाई टूट जाए, तो उन्हें हटा दो, लेकिन अगर शीशा फूट जाए तो कुलक्षण नारी दो एक बड़ा रह जाए, तो एक पति को कह देगी कि जा सकते तुम अपनों काम चले, एक से हम अपनों काम चलाते रहे। घर में बर्तन पेड़े टूटे, तब तक कुत्तन ने आए कि जीभ से चाट चाट के चाट चाट
के बिल्कुल चिकने बनाए दे मां जी के दस्ते घर में बर्तन मेरे टूटे पड़े रहे चौका में टूटे Yeah.